नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ में एक बार फिर से बदमाशों ने कमिश्नरेट पुलिस को खुलेआम चैलेंज किया है। राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र में नीलमथा इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर वीरेन ठाकुर नामक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां योगी सरकार अपराधियों पर लगाम कसने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी में बेखौफ बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जी हां, लखनऊ में एक बार फिर से बदमाशों ने कमिश्नरेट पुलिस को खुलेआम चैलेंज किया। राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र के नीलमथा इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर वीरेन ठाकुर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, भरी दोपहर में तीन बदमाश इस गोलीकांड की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। तो वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, तो उधर इस गोलीकांड की सूचना पर जेसीबी क्राइम समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचते हैं। दरअसल पूरा मामला राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र के नीलमथा इलाके का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने वीरेन ठाकुर नामक व्यक्ति को घर में घुसकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जब घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को हुई तो आनन फानन में पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचती है। साथ ही साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अपराध नीलाब्जा चौधरी भी घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे। चौधरी के द्वारा बताया गया कि तीन अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारी गई है, जिसमें वीरेन ठाकुर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि वीरेन ठाकुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उधर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर किस वजह से ठाकुर को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। तो मतलब तीन आदमी आके हम लोग को पकड़ कर अंदर कर दिए लोग, बच्चा सबको, हमको इठी पिस्तौल दिखा दिखा मतलब मार के चले गए। तो घर में, घर के अंदर घुसे थे लोग? घर के अंदर, घर के अंदर। हाँ, तो वीरेन जी उस समय वहीं पर थे? हाँ, बेड पर थे। कुछ बताया, जिक्र किया तो उन्होंने कि इस तरह की दुश्मनी चल रही है या कौन हो सकता है? आता ही जो पहले वाली थी भाग गई, जब पहले गोली लगे तो मतलब तो भाग गई, तो वही मतलब हम मतलब साल भर पहले मतलब शादी कर लिए, जब वो भाग गई तो वही दुश्मन थी, वही दुश्मनी थी। हाँ, किसी चीज की परेशान ज्यादा था कि कोई मामला था? रोज रोज फोन कर गाली उली मतलब झगड़ा उगड़ा करती थी, इसके वजह से वो छोड़ के चली गई। तीन बच्चों का, तीन बच्चा था, तीन लड़का था, उसको सबको छोड़ के चली, दूसरा शादी कर ली। उसके बाद प्रॉपर्टी उसके नाम से था, उसके लिए वो बोलती थी मेरा प्रॉपर्टी मेरा नाम से कर दो, जो आया था ट्रक चलता था सब जगह उसके नाम से। ये बता दीजिए कि बिहार के रहने वाले आप लोग? हाँ, बिहार के रहने वाले। प्रॉपर कितने सालों से यहाँ रहे? 14-15 साल से हम लोग, बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर रहे, 10 साल तक रहे। तो 2018 में भी कहा जा रहा है कि वो मारी गई थी, गोली मारी गई थी, 19 मारी गई थी। मुझे करीब 12:30 बजे बताया जा रहा है कि तीन अज्ञात बदमाश आए थे, नकाब पोश थे, नकाब पोश थे, और यहाँ का रूम खुलवाई जो मतलब रूम खुलवा कर इस रूम में इनकी पत्नी, उसी पत्नी और तीन बच्चे थे, उसी पत्नी और तीन बच्चे को बगल रूम में बंद कर दिया उन्होंने, और फिर उनको दो गोली मारी, गोली मार के चले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके इन्होंने अपनी प्राइवेट सुरक्षा की तीन गार्ड यहाँ रखे हुए थे। तीनों गार्ड भी जब वो लोग बदमाश आए थे मौके पर थे, लेकिन उन्हीं गार्ड ने घर का मेन दरवाजा खोला था, उसके बाद से गार्ड भी गायब, गार्डन काफ़ी संदिग्ध लग रही है उसको हम देख रहे हैं। उनकी पहली पत्नी थी, पहली पत्नी से तीनों बच्चे पहली पत्नी से ही, तो पहली पत्नी के साथ 2021 तक रही थी 13 साल में, बाद में दूसरी बार बात करनी पत्नी चली गई, फिर दूसरी शादी करी, दूसरी शादी उसी पत्नी के साथ ही रहते हैं। हो सकता है पारिवारिक विवाद एंगल हो, तो जो पारिवारिक विवाद एंगल हो या ठेकेदारी विवाद एंगल हो, इसको लेकर के हम लोग हमारी तहकीकात जारी है। एक व्यक्ति है जिनको तीन अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारी गई है और अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये इनकी शिनाख्त जो है वीरेन ठाकुर के नाम से हुआ है, ये मूलतः बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और यहीं रह रहे थे और काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे, तो इनके घर में ये लोग प्रवेश करते हुए इनको गोली मारी और तुरंत DVR लेते हुए फरार हो गए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है, जैसे कि मामला सामने आगे बढ़ेगा, तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की।
फिलहाल राजधानी में बदमाशों ने कई इस तरह के गोलीकांडों को अंजाम दिया है। इनमें शामिल कई अपराधी कानून की गिरफ्त में पहुंचे तो कुछ अभी भी खुलेआम घूमकर कानून को चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं देखने वाली बात ये भी है कि आखिर इस हत्याकांड का खुलासा लखनऊ पुलिस कब तक करती है और अपराधियों तक कैसे पहुंचती है। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस